हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने आईबीपीएस के मेंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम जो रेलवे के एनटीपीसी हैं उसके जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, एज ए वन लाइनर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आईएसटी की। आईएसटी मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कहाँ से पास होता है आपका, 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या मानते हैं, आईएसटी। और ये आपका पास होता है अलाहाबाद यूपी से, ठीक है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि आईएसटी कहाँ कहाँ से पास होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख सकते हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल 5 स्टेट्स हैं जहां से आपके आईएसटी पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्योंकि ये इस वर्ड से क्लियर है, किससे, कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब क्या होता है, जो भी यूनिवर्स की बॉडीज हैं उससे रिलेटेड है, तो क्या हो गया आपका, कॉस्मोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन इज आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आगा खान कप। तो आगा खान कप किससे रिलेटेड है, हॉकी। फोर्थ क्वेश्चन इज एवरी ईयर 9 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज 9th जनवरी। तो इस डेट से आपको क्या याद है, 9th जनवरी को आपके जो महात्मा गांधी जी थे वो भी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसको हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस, या फिर हम लोग एनआरआई डे भी बोल सकते हैं। और महात्मा गांधी जी कब वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, 9th जनवरी 1915। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ सेल, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना। तो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना क्या है, यह है टेबल टेनिस। नेक्स्ट इज वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ फीफा। तो फीफा फुटबॉल के लिए फेमस है, आपको पता है मेन गवर्निंग बॉडी उसकी फीफा है। तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, फीफा का हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिच, और ज्यूरिच एक सिटी है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड से आप लोग ये याद रखिए कि स्विट्जरलैंड ऑल्दो यूरोप में है लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ठीक है। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, तो ये बुक किसने लिखी है। अब वेल्थ ऑफ नेशंस है तो इसके जो राइटर है एडम स्मिथ है, ठीक है। और एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी, एडम स्मिथ। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच डेट लुइस ब्रेली डे इज ऑब्जर्व। तो इसको हम लोग वर्ल्ड ब्रेली डे भी बोलते हैं, वर्ल्ड ब्रेली डे। ये अभी जनवरी में क्या है, ये कब बनाया जाता है, 4th जनवरी एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए इसमें आपको ये याद रखना है कि जब फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो आप लॉर्ड माउंटबेटन लिखेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इंडियन पूछ रहा है फर्स्ट तो सी राजा गोपालाचारी, और सिर्फ फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गैलेक्सी विच इज नियरेस्ट टू आवर गैलेक्सी मिल्की वे। तो मिल्की वे गैलेक्सी
ये तो हम लोग की अपनी गैलेक्सी है जिसमें हमारी अर्थ है, तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। और इसके नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है आप लोग लिख लीजिए, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, M31। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये हमारे 8 स्टेट से पास होता है। आप स्टेट्स का नाम लिख सकते हो कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 स्टेट्स। और वैसे ही मैंने अभी आपको एक IST भी बताया था, IST कितने स्टेट से था, 5 स्टेट से, तो वहां पे जो मैंने बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स द आर्टरीज टू द वेन्स। तो जो आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंचनजंगा माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो कंचनजंगा माउंटेन कहां पे लोकेटेड है आपका, यह है सिक्किम में, सिक्किम में। नेक्स्ट इज, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्री फ्यूगेशन। नेक्स्ट इज, डिटर्जेंट और सोप क्लीन्स द डर्टी क्लोथ्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का नाम है एमल्सी फिकेशन। इन दोनों को आप साइंस एंड टेक में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये आपको नॉर्मल NCERT बुक्स में आपको ये दोनों मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुली वर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये, फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये किसको बोलते हैं, मैकार्थी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कौन थे, BN राव। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, 1946। व्हाट इज द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट नेम ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। पार्लियामेंट्स के नेम आप बाकी के भी पढ़ सकते हैं, जैसे जापान की पार्लियामेंट का नेम है आपका डाइट जापान। तो इस तरह से आपको जो जो स्पेशल नेम्स हैं पार्लियामेंट की वेरियस कंट्रीज के, ये आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट। तो जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मैक्सिमम पोल्स पे और मिनिमम इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ब्लड वेसल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हर्ट टू वेरियस पार्ट्स। तो इसके लिए आप ऐसे याद रखिए कि जो हर्ट से वेरियस पार्ट्स मतलब कि सेल्स में जब ब्लड जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्टरीज। जो ट्रांसफर करती हैं उनको बोलते हैं हम लोग आर्टरीज, और जो सेल्स से हर्ट में ब्लड लाती हैं उनको बोलते हैं हम लोग वेन्स। ठीक है, तो हर्ट से सेल्स आपकी होती है आर्टरीज, और सेल्स से हर्ट वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज, नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये क्या, इसको क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में
जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहां पे क्या लोकेटेड है, इंदिरा पॉइंट, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेजिस्लेचर नेम ऑफ जापान, तो ये मैंने अभी बताया था जापान की लेजिस्लेचर नेम का क्या क्या नाम है पार्लियामेंट का, डाइट। इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच नेबरिंग कंट्री, तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, अगर आप इंडिया का मैप भी देखेंगे तो जब आप देखेंगे आसाम मेघालय ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बांग्लादेश और इधर आपका वेस्ट बंगाल, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो मैक्सिमम बाउंड्री किसकी है, बांग्लादेश की, बांग्लादेश। लाइट ईयर इज द यूनिट विच इज यूज टू मेजर, तो लाइट ईयर क्या मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, लाइट ईयर इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन ये कौन सी कंट्री से लिया गया, ये आपका लिया गया है यूएस। नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस, तो बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, ये आपका लीवर, और इससे आप ये भी याद रखिएगा लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड भी है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल एंड पार्ट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये कौन से पार्ट में गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट फाइव में। अब देखिए टोटल पार्ट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने हैं, टोटल पार्ट्स है 25 और टोटल आर्टिकल्स है 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, बैरोमीटर, बैरोमीटर। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस, तो टू टाइप्स की डिजीज होती है आपको पता है, एक मायोपिया, मायोपिया और एक होती है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं वो होता है आपका कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में मतलब आता रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, तो ये क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, तो अभी मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए, यूएसए से। जो लास्ट क्वेश्चन था वो था फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना कहां से लिया गया, तो वो भी कहां से लिया गया, यूएसए से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, तो विटामिन बी ट्वेल्व को हम लोग और क्या बोलते हैं, कोबलामिन, क्या बोलते हैं, कोबलामिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, और पावर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वन बाय फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है, पावर का फॉर्म होता है वन बाय फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमालय, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेंज इज हिमालयस। तो ये थे हमारे आज के एनटीपीसी के क्वेश्चंस, तो इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करना है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको, और इस तरह से हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, तो रेलवे में जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वन लाइनर्स ही मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस उसमें नहीं आते हैं। तो बाकी टॉपिक वाइज भी अगर हम लोग स्टडी करना चाहें तो आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जितना शेयर हो सकता है शेयर करिए। थैंक यू।